अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे खैरियत से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना अभी क्रीम लगा रही थी अपने हाथों पे, और ये बहुत अच्छा क्रीम है, इसको मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। क्योंकि अभी सर्दी, मतलब सर्दी जब जाती है और सर्दी जब आती है, दो टाइम पर ऐसा होता है कि हमारे बहुत हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं। और मैं आपके साथ सभी को शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर करती हूँ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि ये कौन सा क्रीम है, ठीक है? इसकी डिटेल्स देती हूँ मैं आपको। तो ये है वो डव का लोशन जिसका मैं बता रही थी आपको। ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है हाथों पे और पैरों पे, बहुत मतलब पूरी बॉडी लोशन है। तो वो बहुत ज़बरदस्त है, इतने लोशन यूज़ किए मैंने जो आया पता नहीं कौन कौन से, बट ये जो है ना ये ज़बरदस्त लगा मुझे। काफ़ी अच्छे मतलब हैंड्स लेग्स जो भी आप लगाना चाहें पूरी बॉडी पे बहुत अच्छा हो जाता है। और इस बार मुझे जो मैं लगाती हूँ ना ग्लिसरिन, मैं हर साल आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस बार मुझे ग्लिसरिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सोचिए आप, इतनी अच्छी मेरी स्किन रही हेल्दी। वरना बर्तन धो धो के और काम कर करके आपकी जो उंगलियाँ होती हैं ना उनकी खाल निकलने लगती है, वो खुरदुरी सी हो जाती है, अजीब सा करी स्किन हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग बताना आप लोग भी ऐसा नोटिस करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है यार मेरे तो मतलब हो जाते हैं, नाखून भी ख़राब होने लगते हैं और आपके जो स्किन होती है ना, नेल्स वगैरह सब कुछ ख़राब होने लगता है। तो ये जो है ना मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मुझे कुछ रिसीव हुए थे पीआर, तो मैंने सोचा चलो पहले किचन जाने से पहले ये और शेयर करती हूँ आपके साथ। आपको लास्ट टाइम मैंने दिखाए थे, तो ये जो है ना ये ओरिजिन ब्रांड है, ठीक है? और ये फेस वॉश है, ये देखिए आप, ठीक है? और इसमें है, इसमें बॉडी लोशन है और शैम्पू है, ठीक है? तो ये है बॉडी लोशन, ये देखिए आप, बॉडी लोशन है और ये है शैम्पू, इसे नहीं खोल रहा है, ठीक है? साथ ही इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स आए थे, पेटल्स फ्लावर के, देखिए आप, पता नहीं क्या क्या आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये, देखिए, ठीक है? और भी कुछ कुछ था वो निकाल दिया, ठीक है? साथ ही मुझे वाओ का, ये जैसे वाओ के और भी प्रोडक्ट हैं तो वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। ये देखिए आप, ये फेस वॉश आया है और एल्पिन लीबे के साथ साइड से मुझे बहुत सारी कैंडीज़ और बच्चों का गिफ्ट वगैरह आया है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपको, ठीक है? बाद में दिखाऊँगी। चलो अब किचन में चलते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत इजी वे में, मतलब चीज़ों को बनाने के कुछ तरीके होते हैं, बट मैं आपको बहुत ईजी वे में चिली चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत अच्छे से ही बहुत आसानी से बन जाती है। तो चिकन को पहले मैंने मैरिनेट किया हुआ है, इससे चिकन जो ना बहुत जूसी और टेंडर बनेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा जो लेमन जूस होता है वो और नमक डाल के मैंने उसको मैरिनेट किया हुआ था। तो साथ ही फिर मैंने अभी जो डाला है 2:1 का रेशियो रखेंगे, मतलब 2 टेबल स्पून आप रखेंगे कॉर्नफ्लावर जो होता है ना वो डालेंगे, और 1 टेबल स्पून आप मैदा डालेंगे। तो इस तरह से आप और कोटिंग आप जितनी अपने मतलब मर्जी के मुताबिक चाहे रख सकते, कुछ लोग कोटिंग ज़्यादा रखते हैं और कुछ कम रखते हैं, कुछ को क्रिस्पी सा पसंद आता है ना इसलिए, तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करके उसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। और तब तक के लिए हम जो है ना वेजेस की जो है ना कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहले हम ऊपर का जो हार्ड पोर्शन होता है ना, वाइट वाइट सा जो दिख रहा होता है वो हम अलग काट लेंगे। ये जो ग्रीन ऑनियन होती है उसको काट के रख लेंगे हम, ठीक है? उसको हम अलग रख लेंगे, और जो बारीक सा बिल्कुल होता है ना पत्ते पत्ते से होते हैं उनको हम अलग से काट लेंगे। तो इस तरह से आपको उसको काट के रख लेना है। और साथ ही हमें कैप्सिकम लेना है, शिमला मिर्च जो होती है वो आप ले लें, और वो आप क्वांटिटी है वेजेस की ना आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, ठीक है? और उसमें जो है ना बोन वगैरह नहीं है, बोनलेस है वो, तो इसमें बोनलेस ही चिकन लगता है। और उसको जो है आप वैसे तो वेजेस को आप अपने डिज़ायर शेप में काट सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि अंदर का सब बिल्कुल अलग आप कर दें, और उसके जो है ना छोटे ही चंक्स रखें, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं निकाल के इजिली फेंक देते हैं। तो बच्चे हैं अगर तो इस बात का ध्यान रखें, और अगर खा लेते हैं तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो जो है ना उसको इस तरह से काट लेंगे वेजेस को, और ऑनियन रख लेंगे, ऑनियन काट लीजिए आप, ठीक है? और साथ ही आप चाहें ना तो हरी मिर्च होती है उसको भी अच्छे से
शेप में काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें काट लेनी है। तो यहाँ पे बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, बट ये जो है ना मुझे जल्दी ही हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये मैं बना लेती हूँ। और बहुत मज़े की बनी थी, सीरियसली बहुत मज़ा आया सबको खा के। तारीफ़ें जब मुझे मिली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और साथ ही आप लोग बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं ना बनाने के, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो वो चीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है जब लोग रेसिपी शेयर करते हैं, बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और इस वक्त मेरा जो है ना गला अभी भी मेरा ठीक नहीं है, आवाज़ आप लग रही है, समझ रहे होंगे ना, तो वही हो रहा है यार, तो सॉरी। फिर यहाँ पे प्याज को हम इस तरह से काट के पूरा खोल लेना है, अलग अलग कर लेंगे हम उसे, ठीक है। तो और उसके बाद जो हमने मैरिनेट किया था उतनी देर में हमारा हो चुका है मैरिनेशन कंप्लीट डन। तो अब हम उसको ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक आप इसको फ्राई कर लें, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया है नींबू एंड नमक के साथ में। तो ये जो है ना बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल भी अटेगा नहीं। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, काफ़ी लोग डायरेक्ट ही करते हैं, बट ये जो मैं तरीका बता रही हूँ इससे आप बनाएंगे ना, आपका चिकन बिल्कुल भी अटेगा नहीं तलने पे। बहुत क्रिस्पी भी आप खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, आप इसको बाद में गर्म करके खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं अपने किड्स के साइड से, तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपके किड्स को ज़रूर पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इस तरह से कलर आने तक हमें इसको कुक करना है, फ्राई करना है, ठीक है। तो हम इसको जो है ना सारा इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, चैनल पे आप पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, और आपको अच्छा लग रहा है वीडियो अभी तक आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, प्यारा सा कमेंट तो लाजमी बनता है। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है एक कप या एक बाउल के करीब, आप ले लें दो अच्छे भर के, दो से तीन टेबल स्पून जो है ना आपको सोया सॉस लेना है, दो से तीन टेबल स्पून भर के आपको चिली सॉस लेना है, रेड चिली सॉस, वो अच्छा अच्छी क्वांटिटी में जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे 102 जो है ना ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, नहीं लें, आप डाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमें विनेगर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही अच्छा भर के हमें कॉर्नफ्लावर डाल देना है। अच्छा, इसको पानी जो है ना गर्म बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठंडे पानी में डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे जो कि अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। अच्छा हाँ, लहसुन अदरक बताना भूल गई थी मैं कि लहसुन अदरक को भी चॉप करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑयल डाला है, फिर हमने अदरक लहसुन को डालना है। हाँ यार, अदरक का नाम ही बदल दिया मैंने, अदरक, व्हाट इज़ दिस, सो चलो छोड़ो। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को डाला, उसका अच्छे से हमने थोड़ा सा सॉटे वोटे कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो हरी प्याज थी वो हमें इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है, उसको हम अच्छे से थोड़ा सा कुक करेंगे, उसको हम कुक कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर साथ ही हमने जो ये पेस्ट बनाया हुआ था ना लिक्विड, तो इसको हम डाल देंगे। अब इसको हम जब डालेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली कलर जो है ना वो चेंज होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोया सॉस है और बाकी सॉसेज भी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना केचप हम डालेंगे अपनी टेस्ट के हिसाब से, हमने उस टाइम नहीं डाला था, आप चाहें तो उस टाइम भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेजेस जो हमने कट की हुई थी वो सारी वेजेस इस वक्त हम ऐड कर देंगे, बट हमें उन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना है, ठीक है, ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत अजीब सी हो जाएंगी। बस हमको थोड़ा बहुत ही इनको हमें चलाना है, ठीक है। अच्छा भर के हमें काली मिर्च डालना है, अच्छा भर के, उसी से टेस्ट आएगा। और नमक हमें इसमें ऐड कर देना है, और केचप डाल देना है मर्जी के मुताबिक, जितना आपको पसंद आ रहा होगा। आपको थोड़ा सा खट्टा सा पसंद है तो आप कम केचप डालें, आपको मीठा सा पसंद है तो आप केचप ज़्यादा डाल दें, और थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं साथ ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारा मिला दिया है, थोड़ी देर ही हमें इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो चिकन किया था ना फ्राई, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से कवर करेंगे, कोटिंग अच्छी होना चाहिए पूरा ऊपर नीचे करके, आप उसको खूब अच्छे से उसको कवर कर दें पूरा। और फिर उसके बाद उसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे। साथ ही अब हम बनाने लग गए हैं नूडल्स, क्योंकि ये हमारा डिनर था और हमने बहुत इन्जॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें यही खाना था डिनर में, इसलिए हमने सोचा कि हम बस यही खाएंगे। बाकी लोगों के लिए खाना था, बट बच्चों के लिए और मेरे लिए यही था, क्योंकि बस इसमें हमारा पेट भर जाना था, नियत भरना, पेट भरना सब एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाला, अदरक लहसुन जो फूटा हुआ था वो हमने इसमें भी डाल दिया, वेजेस डाल दिए, और साथ ही हमने बहुत सारी अच्छी सी जो है ना सोयाबीन की बड़ी होती है चंक्स वो डाली हैं, काली मिर्च डाली है, हमने यहाँ पे नमक डाला है, सॉस डाला है, ठीक है, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस, सारे सॉसेस जो हमने अभी डाले थे ना वो सब चीज़ इसमें भी डालेंगे हम, थोड़े थोड़े डाले हैं। साथ ही हमने नूडल्स मसाला डाला है खूब अच्छा भर के, ठीक है। और आपके पास अगर चाट मसाला हो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, या ज़ीरा बनाता है ना बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट का, मैं शेयर करूँगी, वो बहुत अच्छा ज़ीरा बने, तो वो भी आपके पास हो तो वो डालो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे,
वो यहाँ पे हमने जो है ना नूडल्स काफ़ी देर पहले उसको बॉईल करके रख लिए थे, तो ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना अजीब से हो गए थे। बड़ा उसको कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल लगा लेकिन स्ट्रगल रियल स्ट्रगल था, हो गया। तो जो है ना ये भी बहुत मज़े के बने। और इसमें जो है ना जब तक कि वो जो होता है ना मार्केट वाला जो स्ट्रीट वाला फ्लेवर नहीं आता एक धुएं वाला, तब तक मज़ा नहीं आता। तो ये कैसे आया वो मैं बताती हूँ कि मैंने एक कोयला जलाया और इसमें रख दिया, उससे इसमें इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आया था ना बिल्कुल स्ट्रीट वाला। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसा और मुझे बताइएगा फिर आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कैसा लग रहा है अंजला? यम्मी है, मज़ा आ गया आपको? बहुत अच्छा, सच बताइए। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। जायरा आ गई यहाँ पे, खा के तो बताओ कैसे कर सकते हो? मुझे गलती फिर मत कराइए। मिर्ची वगैरह सही है? मैंने नहीं बोला था उसे, नहीं रखी है हटा के, सही है मिर्ची इतनी लग रही है। अच्छा है मिर्ची कम है, सारी दुनिया अपने पीछे, दुहान को तो उसमें भी मिर्ची लग रही है। टीवी बहुत तेज चल रहा है यार, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर हस्बैंड की फरमाइश हो गई कि यार मीठा कुछ नहीं बनाया, मीठा भी बनाओ। तो बस जल्दी से मैंने खा के बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का। तो जो है ना वो उसका फ्लेवर ज़रूर देना कोयले का, तो बहुत अच्छा आता फ्लेवर आता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मीठा बनाने लगे हैं, असली घी में बनाते हैं तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो वही मैंने घर का जो घी निकालती हूँ मैं, उसका वीडियो चैनल पे है, ज़रूर ट्राई करना, देखना जाके, आई बटन पे डाल दूंगी। तो वो डाला मैंने और उसमें इलायची डाल दी, और जो सूजी थी ना थोड़ी मोटी वाली थी तो वो मैंने अच्छे से भून ली उसमें बढ़िया सा, और फिर उसमें कलर डाल दिया, पानी डाला, शक्कर डाल दी, थोड़ा सा नमक चुटकी भर डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, बस जैसे रेसिपी होती ना वैसा ही कुछ जो है ना मैंने उसको बना लिया था। बहुत अच्छा बना था ये भी, बहुत मज़े का, बहुत मीठा बना था, लेकिन खाया नहीं गया हमसे ज़्यादा, लेकिन यह है कि हमें थोड़ा बहुत चख लिया। हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन वो ना फुल हो गए थे, खुश हो गए थे अच्छे से। तो ये था जो है ना पूरी रेसिपी मैंने शेयर किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्किप अपने किया होगा बट ज़्यादा नहीं किया होगा उम्मीद करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो भी आप जाके चैनल पर देखने वाले हैं ये भी उम्मीद करती हूँ। चलिए तो अब जो है ना किचन की हालत देख लें आप। ये देखें कोयला जो मैं बता रही थी स्मोक फ्लेवर के लिए, तो मैंने दिया था नूडल्स में, और यहाँ किचन की हालत देखें आप कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और जो है ना अब मैं किचन साफ़ करूँगी, और साफ़ करते करते आपसे कुछ ख़ास ज़रूरी बातें करूँगी। तो यहाँ पे अभी जो एक मसला बड़ा गरमाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है हक और इंसाफ की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ लोग सही हैं कुछ लोग गलत हैं, ठीक है। हम तो जो गलत है जो विक्टिम है उसका ही साथ देंगे, क्योंकि अगर हम बुराई का साथ देने बैठ जाएंगे ना बुरे लोग ही बुराई का साथ देंगे पहली बात, ठीक है। और अगर हम सच्चाई का साथ सही का साथ नहीं देंगे ना तो ये तो हमारी भी पकड़ होगी आखिरत में। और सुलह करवाना और इंसाफ दिलवाना और हक में बात करना ये सुन्नत तरीका है, और हमें जो है ना बिल्कुल मतलब ना हक ऐसी गलत बातें तो मतलब नहीं करनी चाहिए, हमें सच का ही साथ देना चाहिए, जो हक पर है उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे साइना सिस्टर जो हैं हमारी बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही अच्छी, मतलब उनको आप जब मैसेज कर लो वो दुआएँ इतनी प्यारी प्यारी देती हैं, वो इतनी अच्छी बातें करती हैं, हमेशा सपोर्ट करती हैं। मेरे चैनल तक पर आकर उन्होंने मैसेज किया, कमेंट किया हुआ है सपोर्ट के लिए। बहुत अच्छी इंसान है यार वो, मतलब मैं मान ही नहीं सकती, वो लगती भी इतनी सुलझी हुई है, किसी के मामले में उनको बोलने का ऐसा नहीं लगता है, और वो कभी भी इस तरीके की नहीं। वहीं आप बाजी के और बाकी सबके शॉर्ट देख लें आप, क्या ज़बरदस्त शॉर्ट्स होते हैं, मतलब मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैंने कमेंट तक पड़े हैं इतने ख़तरनाक से कि बस मैं जो बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं थी। तो ये बिल्कुल गलत है और वो उनके साथ गलत कर रही हैं। अगर किसी का आप हक दबाओगे ना तो यार देखो यहाँ पर तो ऐसा है कि अल्लाह पाक दुनिया में ही दिखा देता है, तो ये गलत है। हम तो साइना सिस्टर के फुल सपोर्ट में हैं, साथ हैं, और यहाँ कमर सिस जो हैं हमारी वो बहुत अच्छा मतलब स्टैंड ले रही हैं, और अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी दे, और जो भी सपोर्ट कर रहा है अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी दे, और सच का साथ बिल्कुल सब लोग दें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। गलत जिसके साथ हुआ है उसके साथ सही होना चाहिए, और यहाँ साइना सिस्टर बिल्कुल डिजर्व करती हैं, उनको जो है ना उनका हक है यार, ऐसा नहीं है, उनका हक कोई मार नहीं सकता है। उनके भाइयों को सबको समझना चाहिए, और जब तक कोई बोलेगा नहीं उनके समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए बोलना ज़रूरी है। अब ये पब्लिकली बात है तो पब्लिक तो बोलेगी यार, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं। और जो लोग सच का साथ दे रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं भी सबके साथ हूँ, हक के साथ हूँ, ठीक है। मेरा फुल सपोर्ट है साइना सिस्टर को, और बाकी लोग जो गलत हैं उनको हिदायत की हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, और काश कि उनको समझ में आ जाए कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि अंधे थोड़ी हैं हम, हमें थोड़ी कुछ कोई दे रहा है, हमें ना साइना सिस्टर से कुछ मिल रहा है ना हमें उनसे कुछ मिल रहा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, हम वही का साथ देंगे ना। हम क्लियर देख रहे हैं कि आप कितने बगावती रील बना रहे हो, आप कितने बगावती वीडियो बना रहे हो, और किस तरीके के आप मतलब बात कर रहे हो, टॉन्ट कर रहे हो शॉर्ट्स के अंदर। दिस इज़ नॉट फेयर। आप भी कभी नंद बनोगे, आप भाभी आपकी कभी आएगी तो आपको सोचना चाहिए। तो भाई ये तो गलत है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। कमर सेस इस वक्त जो है ना बहुत सही स्टैंड ले रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, तो आप लोग भी जाके उनके चैनल को विज़िट कीजिए और साइना सिस्टर के भी चैनल को विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को भी विज़िट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए कुछ अगर हो टिप्स एंड जो भी आपके एडवाइस हो, मशवरा हो, तो वो ज़रूर बताइएगा मुझे, तो मैं ट्राई करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पर ही हम करते हैं एंड, और मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए और ऐसी सपोर्ट करते रहिए और ऐसी बस मोहब्बत करते रहिए, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत है हम सभी को, जो सच हैं, सही हैं और हक पर हैं, तो आप प्लीज़ सबको सपोर्ट कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।